ये दृष्टांत एक माँ अपने बेटे के बारे में बता रही है जिसके पास शूज के लिए पैसे भी नहीं थे, उसेन बोल्ट के पास। दुनिया का एथलेटिक्स चैंपियन में था वो। उसकी माँ अपने जुबान से सुनाती है ये कहानी, बोलती है कि जो फर्श से अर्श तक पहुँचा है उस इंसान की कहानी जो बचपन में खेलता था क्रिकेट, लेकिन आज गुम धूम मचा रहा एथलेटिक्स में और बन गया है दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला। उसे उसेन बोल्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन वो बोलते मेरे लिए वो मेरा बेटा है। मेरे पति बेल्सले गांव में छोटी सी दुकान चलाते हैं, इसलिए बचपन में उसेन को स्पोर्ट्स शूज़ नहीं दिला पाए थे। स्कूल में जूते दिलाए थे नॉर्मल, जिससे उसकी ट्रेनिंग ने रफ्तार पकड़ी। उसेन का जन्म जमैका के छोटे से गांव में हुआ था, जहां स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी और पीने का पानी भी नहीं था, जहां बुजुर्ग आज भी गधे पर बैठकर इधर उधर जाते हैं और लोगों को पीने के लिए पानी का नल के सामने घंटों लाइन लगानी पड़ती है। उसेन बचपन में हाइपर एक्टिव था। अब 3 वीक्स हो गए तो उसे उसकी माँ बोलती है, मैं उसे बिस्तर पर लिटाकर कमरे से बाहर चली गई। जब मैं कमरे में आई तो देखा तो वो बिस्तर से गिर गया था, लेकिन उस पर चढ़ने की कोशिश में जुटा हुआ था। उसी समय मुझे लग गया कि ये साधारण बच्चा नहीं है। उसका जन्म तय समय से 1.5 सप्ताह बाद हुआ है। मुझे लगता है उसकी रफ्तार सिर्फ उसी समय धीमी रही होगी। मेरे पिता ने सबसे पहले ये नोट किया कि इस बच्चे में कुछ खास बात है। इसके बाद से उसकी माँ बोलती है कि उसेन के खान पान पर ध्यान ज़्यादा दिया गया। उसेन का एडमिशन विलियम निब स्कूल में कराया गया। वहाँ के प्रिंसिपल लोन थोप ने कुछ दिन बाद हमें बताया कि हमारा बेटा खेलों में बहुत अच्छा है, इसलिए उसकी ट्रेनिंग का ध्यान भी स्कूल में रखा गया। बीजिंग में जब उसेन चैंपियन बना तो खुशी देने के बराबर था। बीजिंग ओलंपिक में रिकॉर्ड बनने के बाद उस सफलता के बाद गांव पर खूब पैसा बरसा रहा था। खूब पैसा किए बनाया उसने और अपने गांव में लगाया। देखिए कुछ भी नहीं है, कितनी असफलता है, शरीर की कितनी हालत बुरी है, और वो लोग ये संसार के लोग हैं, अगर उनमें इतनी हिम्मत है, हमें ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिले हैं, हमें इसी जन्म में बार 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 गर्भ में आवागमन से कौन रोक सकता है। कैसी विल पावर स्ट्रांग है, कैसी दुआएं हैं। ये भी दुआएं पुण्य कर्म होते हैं, जो चेष्टा निष्ठा रखता है कि मैंने ये करना है। हमारे भगवान जी यही बोलते थे, विल पावर कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए, जवानों से सीखो सुबह कैसे चलते हैं। कितना एनकरेज हमें वाणियों के थ्रू दिया था। ये आत्म विजेता जो है वही असली विजेता होता है। कहते हैं जिसने खुद को जीता उसने दुनिया जीत ली। अपने ऊपर विजय प्राप्त करने वाले को सबसे बड़ा योद्धा माना गया है। मनुष्य का असली शत्रु वह स्वयं है। हमारे असली शत्रु हमारे कुसंस्कार होते हैं, बाहर नहीं होते हैं हमारे शत्रु। हमारी बुरी आदतें, हमारे कुविचार, हमारा भ्रष्ट आचरण आदि होता है। लेना देना पहली चीज़ थी कि लेना देना करो। ये तो सत्संग में आके थोड़ी लोग संसार में भी करते हैं, लेकिन वो गुस्से में करेंगे। हमारे भगवान जी ने बोला लेना देना आनंद का हो, बाकी सब छोड़ दो। हम लोग लेना देना घर में करेंगे बिना गुरु के, तो वो क्या लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हमारे असली शत्रु हमारे कुसंस्कार, हमारी पुरानी आदतें, बुरी आदतें, कुविचार और भ्रष्ट आचरण होता है। हरिओम, गॉड ब्लेस।